इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। को बैन करना है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि वो जो एंटी टेरर लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, अनाउंस करेंगे, और ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इसको खत्म करने के लिए, और वो हुकूमत को स्वीपिंग पावर्स देंगे कि किसी भी शख्स को दो साल के लिए वो डी रेडिकलाइजेशन के लिए पकड़ सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि बंदा जो है वो रेडिकलाइज हुआ है तो उसको वो पकड़ सकते हैं। और इसका जो नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड के लिए किया जा रहा है श्रीलंका के अंदर, खवातीन ज्यादा पहनती थी बुरके, और उनके जारी बात है यंग लड़कियां भी पहनती थी बुरका, और जारी बात है हेड कवरिंग्स जो खवातीन पहनती हैं उसके डिफरेंट हैं। मैं इसकी जब आपसे बात करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, बुरका एक होता है जो फुल बॉडी कवर होता है, फिर निकाब है, हिजाब है, चादर है, शयाला है, अल अमीरा, खिमर, ये मुख्तलिफ कल्चर्स के हिसाब से है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न, मैं उस पर बात करता हूँ कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो उनको किस तरह दुनिया देख रही है, उनके अंदर उनको दुनिया देख किस तरह रही है, उनका लेंस किस लिए दुनिया उनको देख रही है। मेरा ख्याल है मुसलमानों ने अभी तक इसके ऊपर सोचना शुरू नहीं किया। आप देखें कि यूरोप के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जिस तरह स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने बुरका बैन किया, एक मुआशरों के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है, और वो गुस्सा क्यों बढ़ रहा है इसकी ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अभी डिस्कशन होनी शुरू नहीं हुई मुसलमान सोसाइटीज के अंदर, कि ये जो जहां जहां मुसलमान हैं उनको इस लेंस से क्यों देखा जा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्या वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, क्या वो दूसरे मुआशरों के लिए इतने काबिले कबूल क्यों नहीं है, और इस्लाम तो नफरत का दर्स नहीं देता, तो ये कौन लोग हैं जो नफरत का दर्स देते हैं। कोई भी मजहब नफरत का दर्स नहीं देता, कोई भी इस बबले में बात नहीं करता कि हमें दूसरों को मार देना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जो एक मैसिव डिस्कशन होनी चाहिए वो कोई नहीं है मुसलमानों के अंदर। लेकिन एक जो मुझे फील होता है कि मैंने देखा, और मैं समझता हूं कि एक अगर मुसलमानों ने अपने तौर तरीके ना बदले दुनिया में रहने के, और जिस अंदाज से देखें, हमने देखा है कि जी वो कहते हैं जी चर्च में जो लोग इन्वॉल्व, जिन हमलों में इन्वॉल्व थे वो इस्लामिक स्टेट थे। अब इस्लामिक स्टेट को या अलकायदा को या दहशतगर्द जमातों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वो जब इस तरह के दहशतगर्द की कार्रवाइयां करते हैं तो मुसलमानों को फिर क्या क्या उसके मसाइल देखना पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं देखूं कि इस वक्त जो मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बहुत सारी लेजिटिमेट कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें कोई ज्यादती नहीं हो रही, ये कोई किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा। देखें, हमें जो है वो दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की मुआशरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये जो हमारे अंदर एक मुसलमानों के अंदर एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं, हमें हर एक को फतह कर लेना है, कंकर कर लेना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। और श्रीलंका के अंदर देखें कि वहां पे क्रीमेशन भी हो रही थी, और वो खैर डिस्कशन मैंने पहले कर चुका हूं, जब उस गवर्नमेंट खत्म कर दी है तो मुसलमानों के अंदर गुस्सा था जी कि हमें क्यों इस तरह जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं उनको इस तरह किया जा रहा है। सो ये देखना है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने वो लॉ चेंज कर दिया, और जाहिर बात है हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह दफन होना चाहे या जो भी वो है। लेकिन जो हमें जिस चीज के लिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि जिस इतनी बड़ी आबादी के अंदर थोड़े से मुसलमान हैं, एंड दे आर गेटिंग अ सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर दी अदर्स। सो मुसलमानों का काम ये है, मुस्लिम जो कम्युनिटीज है उनका काम ये है कि अगर वो अपने इर्द गिर्द एक्सट्रीमिस्ट देखें, दहशतगर्द देखें, वो मसाजिद में हैं, वो मुआशरे के अंदर हैं, तो उनको इमिडिएटली रिपोर्ट किया जाए।
अगर हम उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम उनको हुकूमत को नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। अभी जो राजापाक्सा की जो गवर्नमेंट आई 2019 में, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप देखिए ना, तकरीबन 22 मिलियन जो है वो मुसलमान है श्रीलंका के अंदर, जो कि एक बड़ी सिन्हालेसी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी उसके साथ रहते हैं, और वो जो कम्युनिटी है वो उसको ये फैसला करना पड़ा। क्यों ये फैसला करना पड़ा? क्योंकि श्रीलंका के मुसलमानों ने अपनी चंद एक दो चार छह लोगों ने, 10 लोगों ने, 50 लोगों ने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि वो जो बाकी बेचारे मुसलमान हैं उनके लिए भी जिंदगी जो है वो मुश्किल आ गई। और अब वो कहते हैं जी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हम बड़े बड़े कानून लेके आ रहे हैं, और वो कहते हैं, और बातें उनकी बिल्कुल ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन दिस थॉट कि भाई हाउ कम आप जो है वो 1000 मदरसा जो है वो बनाते हैं और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। अब देखे ना, जो स्कूल्स हैं उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप एक मर्जी से अपना कहीं पे भी एक मदरसा खोल लें, एक वहां पे अरबी पढ़ानी शुरू कर दें और कहना शुरू कर दें जी कि नहीं ये इस्लामिक वैल्यूज हैं। आपको किसी भी दुनिया में, अगर आपने दुनिया में कोई भी तालीम हासिल करनी हो, 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसमें आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, आप कल्चर पढ़ते हैं, इंटरफेथ हार्मनी एंड डायलॉग पढ़ते हैं, और मजाहब के बारे में पढ़ते हैं, जनरल स्टडी पढ़ते हैं, और 12 साल के बाद आप जाके जो है वो कोई भी स्पेशलाइजेशन करना चाहें, आप कोई आलम इस्लाम बनना चाहें, आप हिंदू को बनना चाहें, आप ईसाइत में कहीं जाना चाहें, आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी करना चाहें, लेकिन 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन है। लेकिन ये मुसलमानों का ये जो मदरसा सिस्टम है, इसमें पहले दिन से आप बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं और उसको कहते हैं भाई तुमने पूरी जिंदगी यही पढ़ना है। भाई उसको तो पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो उस नटशेल के अंदर घुस गया। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आप आराम से जो है वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इस्लाम को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप जो बाकी एक जो नॉलेज होता है या डिस्कशन होती है या जो एजुकेशन होती है वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। टेक्निकली वो जो बच्चे हैं वो बाकी सारी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, यही चीज फ्रांस में नोट की गई है कि वो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे कट ऑफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था इमरान खान के दौरे के बाद जो श्रीलंका में चेंजेस आए हैं। आपको बता दें, इमरान खान ने कुछ ही दिन पहले श्रीलंका का दौरा किया था और ये वहाँ पर गए थे मुस्लिमों के लीडर बनके, और वहाँ पर श्रीलंका गवर्नमेंट ने पहले ही मुसलमान जो वहाँ पर MPs वगैरह थे उनको बोल दिया था कि आप इमरान खान से नहीं मिलोगे, क्योंकि इमरान खान मिलेगा तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट से, मतलब एक ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान कि ये वहाँ पर मुसलमानों लीडर से मिलेंगे। तो इमरान खान के दौरे के बाद श्रीलंका ने बुरखे पर बैन लगा दिया है। बुरखा आप समझ सकते हो दोस्तों, बुरखा और हिजाब में डिफरेंस है। बुरखा जो पूरा कवर होता है फेस, उसको बुरखा बोलते हैं, हिजाब जिसमें हेड कवर होता है उसे हिजाब बोलते हैं। तो यहाँ पर बुरखे पर बैन लगा दिया गया है श्रीलंका में। तो श्रीलंका के इस बैन के बाद आपने कमर चीमा को सुना। आप कमर चीमा को सुनकर डेफिनेटली आपने कान में उंगली डाली होगी और कान में थोड़ा हिलाया होगा कि ये कुछ मैं सही सुन रहा हूँ या गलत सुन रहा हूँ, क्योंकि आप कमर चीमा को डेफिनेटली फॉलो करते होंगे। कमर चीमा इस तरीके की बातें कभी करते हुए नहीं दिखते, लेकिन आप इंडियन व्यूअरशिप, इंडियन मीडिया में ये आते हैं तो इनका ये वाला रूप भी देखने मिल रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छा लगा सुनकर। तो कमर चीमा ने ऐसी कुछ बातें कि अगर ये बैन इंडिया में लगा होता तो मैं इनका रिएक्शन देखना चाहता कि इंडिया में ऐसा बैन लगा होता तो ये ऐसी कुछ बातें करते या नहीं करते। तो दोस्तों, श्रीलंका में हिजाब पर बैन नहीं लगा है, बुरखे पर बैन लगा है। बुरखा का मैंने आपको पहले ही मतलब समझा दिया, जो पूरा बिल्कुल कवर रहता है जिसमें आँख भी नहीं दिखती है, मतलब आँख भी जाली टाइप से दिखती है, उस पर बैन लगा है। और श्रीलंका में मदरसे में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसे अपडेट किया जा रहा है, मतलब उसे ऐसा बनाया जा रहा है कि मदरसे से जो स्टूडेंट निकलेगा वो भी मतलब अच्छी क्वालिटी का स्टूडेंट निकलेगा। तो ये भी मतलब अगर इंडिया में किया जाता तो इसको लेकर आपको पता है कितना मामला खड़ा होता है, पाकिस्तान शायद UN तक चला जाता और यहाँ के मुसलमान बोलते कि ये मुसलमानों के लिए ये देश सुरक्षित नहीं। इस तरीके की बातें हो जाती है और ये होती है। हालांकि इस वीडियो में मेन सुनने लायक था कमर चीमा। कमर चीमा इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं करता, ये
एक अजीब तरीके का बंदा है, लेकिन इस तरीके बहुत, मतलब इस तरीके की बातें इसने की है, डेफिनेटली ये शॉकिंग है मेरे लिए और आपके लिए भी होगा डेफिनेटली। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करिए।